दोस्तों साथियों, कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज कॉम्पटेरिया आपके समक्ष एलएलबी प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1 के लेक्चर्स पुनः लेकर आया है। लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1 में हमने विस्तृत प्रश्न संख्या 6 तक सिलेबस कवर कर लिया था। अब आज हम विस्तृत प्रश्नावली प्रश्न संख्या 7 पर प्रकाश डालेंगे। यह लेक्चर्स महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं हरिश्चंद्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की एलएलबी प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं देता हूँ। ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और कॉम्पटेरिया को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न है, विधि शासन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। किस सीमा तक इस सिद्धांत का समावेश भारतीय संवैधानिक प्रणाली में हुआ? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। अप टू व्हाट एक्सटेंड दिस प्रिंसिपल हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डाइसी का विधि का शासन क्या है स्पष्ट करें। व्हाट इज प्रोफेसर डाइसी रूल ऑफ लॉ एक्सप्लेन। डाइसी ने विधि के शासन की संकल्पना इंग्लैंड को ध्यान में रखकर की थी। डाइसी ने कहा था कि इंग्लैंड विधि का शासन है न कि व्यक्ति का, अर्थात विधि के शासन में भेदभाव तथा असमानता का सदैव अभाव होना चाहिए। वास्तव में विधि के शासन की कल्पना इंग्लैंड में सर्वप्रथम एडवर्ड कोक ने की थी। एडवर्ड कोक ने कहा था कि सम्राट को विधि तथा ईश्वर के अधीन होना चाहिए। विधि के शासन की परिकल्पना से उसका तात्पर्य था कार्यपालिका पर विधि की संप्रभुता या सर्वोच्चता। वह कहना चाहता था कि प्रशासन को विधि द्वारा प्रदत्त विवेकाधीन अधिकार के अतिरिक्त कोई भी विवेकाधीन अधिकार नहीं होना चाहिए। विधि के शासन का वास्तविक अर्थ है विवेक की अनुपस्थिति। विधि का शासन मनमानेपन या विवेकाधीन शक्ति का विलोम है। इस परिकल्पना का दूसरा पक्ष होता है कि किसी भी व्यक्ति को उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा स्थापित विधि के अंतर्गत ही विधि के अतिक्रमण के लिए सिर्फ न्यायालय द्वारा ही शारीरिक या सांपत्तिक रूप से दंडित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। विधि के शासन से डाइसी का यह भी तात्पर्य था कि इंग्लैंड में फ्रांस की भांति पृथक न्यायालय नहीं है। फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालयों की एक श्रेणीबद्ध श्रृंखला है। डाइसी ऐसे पृथक न्यायालयों के विरुद्ध थे। डाइसी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह सम्राट हो या सामान्य व्यक्ति, सामान्य विधि द्वारा शासित होता है और सामान्य न्यायालयों के अधीन होता है। डाइसी के आलोचकों के अनुसार डाइसी ने प्रशासनिक न्यायालयों की फ्रेंच पद्धति का भ्रामक अर्थ लगाया था। यद्यपि विधि के शासन की परिकल्पना सर्वप्रथम एडवर्ड कोक द्वारा प्रतिपादित की गई, परंतु प्रोफेसर एवी डाइसी ने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के प्रशासन रूल ऑफ लॉ की परिकल्पना की विस्तृत मीमांसा प्रस्तुत की, जो विधि के विद्वानों में काफ़ी चर्चित रही। डाइसी के विधि के शासन की परिकल्पना कॉन्सेप्ट, इसके तीन अर्थ हैं। पहला अर्थ होगा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, विधि की सर्वोच्चता। डाइसी के अनुसार विधि के शासन से तात्पर्य मनमानी शक्ति के विपरीत नियमित विधि की सर्वोच्चता या प्रभुता है।
विधि का शासन मनमानेपन के अस्तित्व को अपवर्जित करता है। विधि के शासन के अनुसार सरकार को भी विस्तृत विवेकाधीन अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। डाइसी के अनुसार मनमानेपन की शक्ति या विवेकाधिकार सामान्य नागरिकों के अधिकारों की असुरक्षा की ओर उन्मुख करता है। विधि का शासन इस असुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यदि हम विधि की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते हैं तो नागरिकों के अधिकार असुरक्षित हो जाएंगे। इस प्रकार विधि के शासन की परिकल्पना सरकार के मनमानेपन या विवेकाधिकार पर अंकुश लगाकर सामान्य नागरिक के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। आदर्श समाज में विधि ही सर्वोच्च है, न कि व्यक्ति। दूसरा अर्थ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। विधि के शासन का दूसरा अर्थ डाइसी के अनुसार विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। डाइसी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो या सम्राट हो या ऊंचे से ऊंचे पद पर स्थित कोई व्यक्ति हो, देश की विधि के अधीन है तथा उसे देश की सामान्य अदालत के अधीन होना होगा। सम्राट या किसी ऊंचे पद पर पदासीन व्यक्ति को विधि के समक्ष कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। इसी आधार पर डाइसी ने फ्रांस की प्रशासी न्याय पद्धति की आलोचना की। फ्रांस में प्रशासन तथा सामान्य व्यक्ति के मध्य विवादों के निस्तारण हेतु पृथक प्रशासी न्यायालय की श्रृंखला है। डाइसी के अनुसार यह व्यवस्था विधि शासन परिकल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि विधि के शासन की परिकल्पना के अंतर्गत सिर्फ सामान्य न्यायालय का अस्तित्व ही अनुमत है। विशिष्ट न्यायालय की परिकल्पना विधि के शासन की परिकल्पना से मेल नहीं खाती, क्योंकि विशिष्ट न्यायालय का अस्तित्व ही विधि के समक्ष समानता को नकारता है। डाइसी एक भ्रम के अंतर्गत थे कि फ्रांस के प्रशासी न्यायालय प्रशासन को विशेषाधिकार प्रदान करते थे। अतः इस पद्धति को डाइसी ब्रिटिश संविधान के विरुद्ध मानते थे। अब अगला बिंदु होगा इसमें प्रीडोमिनेंस ऑफ कोर्ट्स, न्यायालयों की संप्रभुता। डाइसी के विधि के शासन का तीसरा तात्पर्य एक अवधारणा है, जिसके अनुसार सामान्य जन के अधिकार किसी संविधान में अंतर्निहित प्रावधान नहीं है, अपितु सामान्य जनों को अधिकार न्यायालय द्वारा संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के माध्यम से प्राप्त होती है। डाइसी कहते हैं इंग्लैंड में अलिखित संविधान है, अतः सामान्य नागरिकों के अधिकारों का मूल स्रोत कॉमन लॉ, नागरिक को जो अधिकार प्राप्त हैं वे न्यायिक निर्णयों के फलस्वरूप प्राप्त हैं। यदि सामान्य न्यायालय किसी अधिकार को अपने निर्णय से मान्यता प्रदान नहीं करती तो सामान्य नागरिक के लिए उस अधिकार का कोई अर्थ नहीं होता। जहाँ लिखित संविधान है वहाँ संविधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का कोई अर्थ तब तक नहीं है जब तक उसे सामान्य न्यायालयों द्वारा मान्यता न प्रदान कर दी जाए। इस प्रकार डाइसी आम नागरिकों के अधिकारों के संबंध में भी सामान्य न्यायालय की प्रभुता को महत्व देते हैं। डाइसी नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य का स्रोत संविधान को नहीं मानते, परंतु डाइसी के अनुसार इनका स्रोत न्यायालय है। क्रिटिसिज्म ऑफ डाइसीज थ्योरी, डाइसी के सिद्धांत की आलोचना। डाइसी का विधि के शासन की परिकल्पना का प्रथम अर्थ विधि की सर्वोच्चता। इस अर्थ के अनुसार सरकार को विवेक शक्ति प्रदान नहीं की जानी चाहिए, परंतु आधुनिक तकनीकी युग में विशेषज्ञता और आपात स्थिति से निपटने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को विवेकाधीन शक्ति प्रदान की जाए, जिससे वे आपात स्थिति से निपट सके और यदि किसी मामले में विशेषता आवश्यक है तो प्रशासनिक अधिकारियों की विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सके, क्योंकि विधायिका से प्रत्येक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकार प्रशासन को विवेकाधीन शक्ति प्रदत्त किया जाना आवश्यक बुराई के रूप में
अपरिहार्य है। आवश्यक यह है कि उनकी विवेकाधीन शक्ति पर प्रभावी नियंत्रण हो, जिससे उनके दुरुपयोग की संभावना को अधिक से अधिक कम किया जा सके। यह नियंत्रण न्यायालयीय निरीक्षण के प्रावधान के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। डायसी के विधि के शासन का दूसरा पहलू है विधि के समक्ष समानता, अर्थात सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है, कोई विधि से ऊपर नहीं है। डायसी कहते हैं किसी को विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, चाहे सम्राट हो या उच्च पदस्थ प्रशासी अधिकारी, सभी को सामान्य जनता की भांति न्यायिक प्रक्रिया के अधीन होना चाहिए। परंतु वर्तमान युग में राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा विदेशी दूतों को न्यायालय की प्रक्रिया से छूट प्राप्त है। डायसी के अपने देश में कुछ व्यक्तियों को न्यायिक प्रक्रिया से छूट प्राप्त है। डायसी को फ्रांस में प्रचलित प्रशासी न्यायालयों की श्रृंखला के बारे में भ्रम था कि इस न्यायालय में प्रशासी अधिकारियों को छूट या विशेषाधिकार प्राप्त है, और डायसी प्रशासी न्यायालयों की उपस्थिति को विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत के विरुद्ध मानते थे। उनके अनुसार इंग्लैंड में न्याय प्रशासन के लिए पृथक न्यायालय नहीं है, परंतु इंग्लैंड में ऐसे न्यायाधिकरणों की कमी नहीं है जिन्हें सामान्य न्यायालय नहीं कहा जा सकता तथा जो सामान्य विधि से प्रशासित नहीं होते। कोर्ट मार्शल और बाल अपराध न्यायाधिकरण के अतिरिक्त अन्य न्यायाधिकरण इसके उदाहरण हैं। इन न्यायाधिकरण सदस्यों को विशिष्ट अधिकार तथा उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। कुछ मामलों में ये न्यायाधिकरण सामान्य न्यायालय से ऊपर हैं। होल्सवर्थ ने सत्य ही कहा है कि इन न्यायाधिकरणों पर न्यायिक निगरानी का अंकुश है, तो विशिष्ट न्यायालयों की उपस्थिति से कोई खतरा नहीं है। आजकल विश्व की प्रत्येक पद्धति में न्यायालयों को विशेषाधिकार दिया जाना अपरिहार्य है, जैसा कि श्रीमती इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण AIR 1975 SUCO 2299 नामक वाद में न्यायमूर्ति मैथ्यू ने उल्लेख किया है। स्वयं डायसी ने अपनी पुस्तक के उत्तरवर्ती संस्करण में इस सच्चाई को स्वीकार किया है। नाउ द रूल ऑफ लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विधि का शासन तथा भारतीय संविधान। भारत में संविधान सर्वोच्च है, अतः संविधान के प्रावधान स्वयं में विधि के शासन की भांति प्रशासनिक कृत्यों पर एक अंकुश है। यदि कार्यपालिका का कोई भी कार्य संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह अवैध तथा अधिकारातीत होने के कारण निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिकों को संविधान के भाग 3 में कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कार्यपालिका का प्रत्येक कार्य संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा कसौटी पर कसा जाएगा, और यदि कोई कार्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो यह निरस्त घोषित कर दिया जाएगा। विधि के समक्ष समानता। भारतीय संविधान के अंतर्गत समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। इस अनुच्छेद का आशय यह है कि समान परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, पद तथा निवास स्थान के आधार पर विभेद की अनुमति नहीं होगी। विधि की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होंगे, परंतु न्यायिक निर्णयों ने यह सिद्धांत सुस्थापित कर दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 वर्ग विभेद की अनुमति देता है, अर्थात कुछ व्यक्ति यदि समान परिस्थितियों के अंतर्गत हैं तो उनका एक वर्ग बनाकर दूसरे वर्ग से विभेद की अनुमति तो है, परंतु एक ही वर्ग के दो व्यक्तियों के मध्य विभेद करने की अनुमति संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत नहीं। न्यायमूर्ति PN भगवती ने बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1982 1325 नामक वाद में यहाँ तक कहा कि विधि शासन भारतीय संविधान की रोम रोम में छाया हुआ है। विधि शासन भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा या मूलभूत लक्षणों का एक अंग है। एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रेशन बट एक्सक्यूशन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस।
विवेकाधिकार का अस्तित्व परंतु मनमानेपन का अपवर्जन, विधि के शासन की संकल्पना। भारतीय परिवेश में विवेकाधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता को तो स्वीकारती है, परंतु मनमानेपन को अधिकारों के दुरुपयोग का मुख्य कारण समझती है। इस संबंध में श्रीमती इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण AIR 9075-2299 नामक वाद में न्यायमूर्ति मैथ्यू ने कहा कि विश्व में कोई भी सरकार अथवा विधि पद्धति नहीं है जिसमें विवेकाधीन अधिकारों को स्वीकार न किया गया। सोमराज बनाम हरियाणा राज्य 9092-653 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि मनमानी करने की शक्ति का अभाव विधि नियमों की प्रमुख मान्यता है जिस पर संपूर्ण सांविधिक व्यवस्था आधारित है। यदि विवेकाधिकार का प्रयोग बिना किसी सिद्धांत या विधि के किया जाता है तो यह विधि के शासन के सिद्धांत के विरोध के समतुल्य है। न्यायालय की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदत्त अधिकार न्यायालय के माध्यम से लागू करवाए जाते हैं। हाल के वर्षों में न्यायिक सक्रियता ने इस तथ्य को साबित कर दिया है। न्यायालय की सर्वोच्चता भारत में मंत्री, विधायिका तथा सभी वर्गों ने स्वीकार की है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 9073-1461 नामक वाद में विधि के शासन को भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा माना गया है जिसे संसद के संशोधन द्वारा भी मिटाया नहीं जा सकता। ADM जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला AIR 9067-1207 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विधि के शासन के अनुसार कार्य करना हमारे संविधान का प्रमुख लक्षण है तथा विधि का शासन हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है। इस तरह से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि हमारे संविधान में विधि के शासन के तीनों सिद्धांत अपनाए गए हैं। भारतीय संविधान निधि के समक्ष समानता, मनमानेपन का अपवर्जन और न्यायिक अधिकारिता को सर्वोच्चता से ही स्वीकार करता है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको और भी रोमांचक क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा विधि प्रथम सेमेस्टर के। तो कॉमटेरिया पर नित्य निरंतर बने रहें। कॉमटेरिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कॉमटेरिया आपका हार्दिक स्वागत करता है। कॉमटेरिया लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।